Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another video of hospital bag. इससे पहले मैंने बनाई थी hospital bag for mother. जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लो जो मदर के लिए बनाई है. If you are interested, so just keep on watching this video and if you are watching my video for the first time, then please subscribe to it and watch this whole series. जिसमें बहुत सारी videos हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड. सो इफ यू आर गोइंग टू बी मदर और इफ यू आर प्लानिंग टू बी अ मदर, सो या दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू. सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले वी नीड अ बैग और मैंने अपने लिए तो बैग नहीं लिया था बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बैग था, बट फॉर बेबी आई बॉट अ बैग फ्रॉम मैक्स और मुझे वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा लगा. तो दिस इज द क्यूट बैग और ये कलर पता नहीं चल रहा होगा, मल्टी कलर टाइप से आप बोल सकते हो. तो मुझे इतना क्यूट लगा. पहले एक्चुअली मैं मैक्स में देखकर आ गई थी बट मुझे लगा कहीं महंगा तो नहीं है. आई थिंक इट वॉज 900 के अराउंड था तो मैं छोड़ के आ गई. फिर बाद में मैंने अमेजोन से मंगवाया और इतना वाहियत था वो, तो मैंने फटाफट वो रिप्लेस कर दिया एंड आई गॉट अ न्यू वन फ्रॉम मैक्स ऑनलाइन. तो इसका लिंक मेरे पास ऑब्वियसली है तो मैं डाल दूंगी. इसके अंदर एक ये आया, आई एम नॉट श्योर, ये शायद ये बेबी को मतलब लेटा के जब चेंज करते हैं ये उसके लिए काम आता है. बेबी बेड टाइप से हो जाता है अगर आप ट्रेवल करते हो ऑब्वियसली, क्योंकि ये बैग है तो आप ट्रेवल ही करोगे. तो बट अभी मैं इसको निकाल देती हूँ क्योंकि अभी मेरे कोई काम नहीं आने वाला है और इसमें काफी सारा स्पेस है गाइस. आगे भी ऐसे दो पॉकेट्स ही है क्योंकि मुझे कल ही जाना है तो उससे पहले मैंने बैग पैक नहीं किया. तो मैंने आज ही सारे कपड़े जो मुझे लग रहा था लेके जाना है मैंने वॉश कर लिया है और उसके लिए आई परचेज्ड मामा अर्थ का लॉन्ड्री डिटर्जेंट और ये 1000 ml का. और मामा अर्थ ने काफी रिव्यूज पढ़े इतने अच्छे अच्छे और व्हेन इट कम्स टू बेबी के सामान और लॉन्ड्री और एनीथिंग इट्स वेरी गुड फॉर बेबी क्योंकि प्लांट बेस्ड है तो और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल फॉर्मूला विद बायो एंजाइम्स एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स. सो सब कुछ वो है जो एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए चाहिए होता है. तो मैं ऑब्वियसली ये लेके नहीं जाने वाली हूँ बट मैंने इससे सारे जितने कपड़े थे बेबी के आज धोए हैं, सुखाए हैं और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी तो आई थिंक गुड है. मेरे हाथ पे लग गया तो इसको अच्छे से रखना है नहीं तो ये निकल जाएगा. एक रेंज है पूरी मामा अर्थ की जो मैंने परचेज की थी विच इज मिल्की सॉफ्ट रेंज, जिसमें ये है मिल्की सॉफ्ट बॉडी वॉश फॉर बेबी, इसके बाद है मिल्की सॉफ्ट बेबी लोशन, ओट मिल्क विच इज वेरी गुड फॉर बेबी स्किन क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है बेबी की तो उनके लिए ये आई थिंक मिल्की सॉफ्ट वाली रेंज बहुत अच्छी है. और इसके बाद मैंने लिया है मामा अर्थ का ही, आई एम नॉट प्रमोटिंग बट क्योंकि मैंने लिया है तो मैं बता रही हूँ. सो दिस इज डायपर रैश क्रीम क्योंकि डायपर पहनाते पहनाते रैशेज हो जाते हैं तो ये भी मैं कैरी करने वाली हूँ. एंड आफ्टर दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज वेट वाइप्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इतनी ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है बेबीज की. अच्छी बात क्या है इसकी बेम्बू बेस्ड वाइप्स है और इसमें कितने मिलते हैं आपको 72 वाइप्स है ये पूरा पैकेट में लेके जाने वाली हूँ. दिस इज डस्टिंग पाउडर फॉर बेबी, ये मैंने तो कब लिया था जब बीच में मामा अर्थ की एक सेल आई थी बाय वन गेट वन वाली तो उसमें मैंने लिया है तो मुझे ऑब्वियसली ये हाफ रेट में ही मिले हैं. केक के साथ एक फ्री आ रहा था तो मुझे काफी रीजनेबल भी पड़ा और मुझे अच्छी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट भी मिल गए तो व्हाई नॉट. और इसके साथ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है विच इज बेबी डायपर, न्यू बॉर्न बेबी का एक पूरा बड़ा वाला पैक ले लिया एंड इसके अंदर है आपके 40 डायपर्स. ये है 3 to 5 kg वाले और ये न्यू बॉर्न बेबी के ही हैं और बेबी की सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है. लीकेज प्रोटेक्शन, हाइपो एलर्जिक एंड कॉटन सॉफ्ट इनर लेयर. सो या मुझे पढ़ के ही बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे इतनी नॉलेज है भी नहीं कि मैं 10 जगह देखूँ तो मुझे जो बेस्ट लगा वो मैंने ले लिया. तो इसमें 6-7 डायपर में ले जाऊंगी
आई थिंक इनफ रहेंगे दो तीन दिन के लिए, अगर रहा तो दो तीन दिन वाला सीन। काश मामा अर्थ मुझे स्पॉन्सर कर रहा होता, मुझे भी कुछ फायदा हो जाता। एक बेबी बॉटल ली है मिल्क की, एक ही लिए क्योंकि मुझे सही बताओ मुझे आइडिया नहीं था कितनी बड़ी लेनी है कितनी छोटी। तो दिस इज फ्रॉम लव लैप, अमेजोन से ली है और ये बहुत ही छुटकू सी है। जब आई तो वाकई में मुझे लगा अच्छा इतनी छोटी थी। मैंने पूरा अच्छे से बॉयल वॉयल करके धो दी है तो ये मैं लेके जाऊंगी। और पता नहीं सही बताओ मुझे नहीं पता कुछ भी कि वहां जाके बॉटल से दूध पीने वाला है बेबी मेरा होगा या फिर चम्मच से पीने वाला है। सो आई हैव नो आइडिया नो क्ल्यू, तो वहीं जाके पता चलेगा। तो सेफर साइड के लिए मैंने एक बॉटल रख ली है। नाउ अब पूरा कपड़ों का ही सीन है तो मैं बताती जाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। सबसे पहले एक मसलिन स्वाडल्स लिए थे मैंने, कॉटन बेस्ड, इसमें तीन थे, बिल्कुल अच्छे मल्टी कलर जैसे हैं। इसमें से एक मैंने धो लिया क्योंकि ये मैं लेके जाने वाली हूँ और ये मैं बाद में भी धो लूंगी आकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो ये पूरा एकदम कॉटन का है और बहुत ही अच्छा लाइट कलर कॉटन का है। मैंने एक ये भी ले लिया, इसके अलावा एक टाल लिया है। हाँ तो ये अच्छा खासा लंबा टाल है, वेरी नाइस, बहुत ही क्यूट है यार ये। दिस इज इन ब्लू कलर और दोनों ही अच्छे लगे मुझे। ये स्वाडल के साथ एक और स्वाडल मैंने लिया है, वो मुझे काफी एक्चुअली क्यूट लग रहा था। तो ये एक्चुअली दो है, दो का पैक है, एक पिंक है एक वाइट है। और दिस इज काइंड ऑफ लाइक दिस, ये नीचे से ऐसे पैर डालने के लिए है, बिल्कुल बेबी ऐसे पैक हो जाता है, आगे से ऐसे बंद करने का है। मैं ये भी लेके जाऊंगी एज अ बैकअप, मैं दो तीन चीजें रख लेती हूँ ताकि जो भी उस टाइम पे सही लगेगा परफेक्ट लगेगा वो यूज हो जाएगा। आई एम श्योर सब यूज होने वाला है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज ड्राई शीट, जो मैंने अभी फिलहाल के लिए एक ही ली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बेबी सुपोटी करते रहते हैं। तो ये ड्राई करने के लिए एक शीट है, वो अच्छा खासा है इसका साइज। एंड ये भी वर्थ था, सब मैंने अमेजोन से लिया है और ये सब के लिंक मैं डालने वाली हूँ। के अलावा ये है बेबी बिप्स, तो ये मुझे काफी बड़ा लग रहा था बट इसके अंदर ना साइजेस मुझे लग रहे थे छोटे वाले भी है, तो मैंने इसमें से एक जो है वही मैंने वॉश किया और मुझे लग रहा था एक बहुत होगा, आई थिंक ये वाला है। हाँ पहले मुझे लगता बड़ा है बट ये अच्छा खासा छोटा सा है। हाँ बट इसका मुझे पता है ये डॉट मोम से, ये बेबी के स्मॉल वाले टाल होते हैं ना जो बेबी को पोषने के लिए या फिर बेबी का मुंह पोषने के लिए, और मुझे लगता है मुझे भी अगर कुछ यूज करना होगा मैं भी यूज कर लूंगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। थोड़े से प्राइजी थे बट ये क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये भी बैम्बू वाले वॉश क्लोथ हैं और ये 6 का पैक था, लाइट पिंक लाइट येलो। मैं दिखाई देती हूँ ना, मैंने एक्चुअली दो आज वॉश करे हैं, ये स्काई ब्लू येलो। तो ये दोनों लेके जाने वाली हूँ मैं और ये दोनों यूज हो जाएंगे। इसके अलावा एक्चुअली मेरी मम्मी ने बोला था कि पुराने कपड़े पहनाते हैं, तो मैंने एक्चुअली क्या किया कि थोड़े कपड़े मेरी मम्मी ने मुझे दे दिए मेरी सिस्टर वगैरह के, बट मैंने क्योंकि नए भी ले लिए थे तो मैंने वो वॉश कर लिए, तो वो भी एक तरीके से पुराने कपड़े के यूज ही हो जाएंगे। तो लाइक मैं दिखाई देती हूँ ना, जैसे ये मैंने लिए थे, ये नए थे बट मैंने धो लिए फुल स्लीव के, मुझे लगता है फुल स्लीव के और आगे से बटन है। तो इसके अलावा ये पुराने थे दो तीन पीसेस, तो मैं ये भी रख के जा रही हूँ। और मैं अभी मदर इन लॉ से मैं पूछना भूल गई, तो मैं उनसे पूछ लूँगी कि मैं यही वाले पहनाऊँ पुराने की, नए भी पहना सकती हूँ। और मैंने बहुत सारे लंगोटी जिसे बोलते हैं ना, डायपर तो नहीं है इंग्लिश में, डायपर है बट हिंदी में लंगोटी बोलते हैं, तो काफ़ी 10-12 का एक पैक था, तो बहुत सारी लंगोटियाँ हैं मेरे पास, तो इसमें से मैं 2-4 ले लूँगी। वहाँ पे डायपर ही पहनने हैं बच्चे को, तो लंगोटियों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है, तो आई थिंक 2-4 बहुत हो जाएंगे, तो मैं ये भी रख लूँगी। कपड़ों के अलावा मेरे पास एक पूरा पैक था ये,
जैसे ये तो मैंने खोला ही नहीं, ये दो थे जिसमें से एक मैंने वॉश कर लिया है ब्लू कलर का, इसमें एक बेबी की कैप सी हो जाती है और हाथ में क्या बोलते हैं इसको, मिटन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैरों के और हाथों के जो होते हैं छोटे छोटे, हाउ क्यूट, आई एम फीलिंग एक्साइटेड नाउ। या सो इन कपड़ों के साथ एक जोड़ी ये भी रख लेती हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट कवर हो गया है। इसके अलावा मैं एक बॉटल, पूरी पूरी बॉटल तो नहीं रखूंगी, एक छोटी सी डिब्बी एक शहद की रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया और मेरी मदर लॉ भी बोल रही थी कि शायद बच्चे को शहद चटवाते हैं, और आई एम नॉट श्योर अभी, तो वो डॉक्टर से मैं कंफर्म करूंगी वहाँ जाके कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो अलाउ करेंगे तो ऑब्वियसली हम करेंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जिस के हाथ से मतलब बच्चा शहद चाटता है वैसा ही होता है। तो लेट्स सी, वो करने देते हैं नहीं करने देते। तो मैंने बॉटल तो मंगवाई ली है, लेके चली जाऊंगी, अलाउ करेंगे तो ठीक, नहीं तो बाद में जब रसम होती तभी कर लेंगे। सब कवर हो गया, कपड़ों से लेके स्वाडल टाल बॉटल भी हो गई, एवरीथिंग इज कवर्ड। इसके अलावा कुछ नहीं, मैंने एक्चुअली मुझे लग रहा है बल्कि मैंने एक्स्ट्रा ही चीजें रख रही हूँ, कम कुछ नहीं लग रहा मुझे। एक्चुअली जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, बट ठीक है, आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट, सब ठीक रहे। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये वीडियो से ज्यादा मुझे ब्लॉग लग रहा था, बहुत चिट चैट कर रही थी मैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू पीपल लाइक इट, एंड इफ यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि बाद में कोई और वीडियो देखे तो वो मतलब उसको भी पता चले कि हाँ इसके अलावा भी कुछ आप लेके जा सकते हो। सो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर कर दिया है, कुछ रह गया तो आप बता देना। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो विद, अभी तक तो मैं मदर बनी नहीं हूँ, बट हाँ नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी अ मदर एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट मदर फॉर श्योर। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, बाय।